उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत भाजपा से निकाले जाने पर दुखी हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत एक इंटरव्यू के दौरान फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार भी बात नहीं की। मुझे मंत्री बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहता था। मैं इतने दिनों से घुटन में जी रहा था, अब उत्तराखंड के लोगों के लिए खुलकर काम करूंगा। कल देर रात उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। बीजेपी ने भी 6 साल के लिए उनकी पार्टी सदस्य खत्म कर दी है। इसके बाद अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है, साथ ही साथ यह भी साफ किया है कि वह कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हरक सिंह रावत ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। वह बोले कि मैं नहीं भी ज्वाइन करता तो भी कांग्रेस की सरकार आती। उत्तराखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार लानी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं से उनकी बात हुई है, हालांकि अभी सोनिया गांधी से वह नहीं मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने देर रात बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है और इसकी जानकारी राज्यपाल को भी भेज दी है। वहीं रावत को 6 साल के लिए भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।